आज मैं आपको सिखा रही हूँ बैंगन का भरता। ये मेरा देखे चूल्हे के ऊपर मैंने अपने बैंगन को इस तरह पका लिया है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए फिर से बैंगन रखे हैं। यह आपने इस तरह अपने तमाम बैंगनों को पका लेना है। ये देखिए मेरे तमाम बैंगन यूँ पक के तैयार हो चुके हैं। अब मैं अपनी सालन पकाने लगी हूँ। मैंने अपने पतीले में ऑयल डाल दिया है और ये है मेरे दो बड़े प्याज जिनको मैंने चॉप कर दिया है और जो है इनको मैं गोल्डन कर दूंगी। जब तक ये गोल्डन हो रहे हैं जब तक मैं अपने इन बैंगनों का छिलका उतार के इनको जो है हाथ से मैश कर लेती हूँ। हमारे तो प्याज लाल होने वाले हैं तो हम इसमें ये दो साबुत लाल मिर्चें, कुछ कड़ी पत्ते और इसके अलावा ये अजवाइन है और सफेद जीरा है, इसको डाल देंगे ताकि ये भी इसके अंदर ही पक जाए और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और खाने का जायका भी बहुत अच्छा होता है। देखिए अब मेरे प्याज गोल्डन हो चुके हैं और जो है इसके अंदर हम ये तीन बड़े टमाटर हैं जो हमने ग्राइंड कर दिए थे, इसके अंदर हरी मिर्चें हैं, अदरक है, लहसुन है, एक इंच का अदरक का टुकड़ा है और चार जो है लहसुन के हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मसाला जलने लग जाएगा तो इसका जायका बहुत ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर हम मिक्स मसाला ऐड करें। मसाला है इसमें धनिया, जैसे ये दो खाने के चम्मच आप धनिया डालें, दो खाने के चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डालें, एक खाने का चम्मच इसमें हल्दी है और एक खाने का चम्मच इसमें सूखी मेथी है, एक खाने का चम्मच इसमें आधी कुटी मिर्चें हैं, एक खाने का चम्मच इसमें चाट मसाला है और एक खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद जीरा है और इसमें आधा खाने का चम्मच अदरक पाउडर है और आधा खाने का चम्मच इसमें जो है लहसुन पाउडर है। जी हमारा मसाला भुन चुका है और मैंने अपने बैंगनों को छील के इनको मैश भी कर लिया है तो ये बैंगन अब हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से नमक डाल देंगे और साथ में ये इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, इसका सिर्फ पानी डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे क्योंकि इमली का पानी भी डाला है तो थोड़ा सा नमक डालेगा और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब तक इसका पानी खुश्क हो के उसके बाद जो है ये भून के इसका घी बाहर निकल आएगा कि हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। सर्व करके इसको हमने तकरीबन आधा घंटे तक भुना है, इसमें घी तो निकल रहा है, इसका तेल जैसे ऑयल निकल रहा है लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है तो मैंने कहा आपको भूनते हुए ज़रूर दिखा दूँ कि इसको इतना भूनना है कि इसका पानी बिल्कुल भी खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने इसमें इमली का पानी भी डाला था तो इमली का पानी और बैंगन के अंदर भी पकने के बाद एक जो है पानी होता है तो वो पानी हमें लाजमी इसका खुश्क करना है वरना बैंगन का जो है वो मज़ा नहीं आएगा। देखिए आपको किनारों पे नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो है थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलना शुरू हो गया है तो इसको हम तकरीबन 10 मिनट और भूनेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसका फाइनल लुक क्या है।